नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। एक ही बहुत ही सुंदर चार्ट वर्क जो कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है, आज के वीडियो के माध्यम से हम लेकर के आए हैं। पोषण एक कविता। पोषण और जितने भी विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा जिनसे हमें मिलता है, वो सारे माध्यम को बच्चों को सिखाने के लिए और उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में और कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे लिए, उसकी समझ बनाने के लिए ये चार्ट बहुत ही उपयोगी होगा। एक ऐसा चार्ट हर कक्षा 4 और 5 की कक्षा में, इवन 3 की कक्षा में भी होना चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए कि किससे कौन सा पोषक तत्व उन्हें मिलता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट की ओर। तो यहाँ पे गोले के माध्यम से इस तरह से पूरा ये बनाया गया है। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट की कविता और यहाँ पे उससे संबंधित चित्र और यहाँ पे वसा, इस वाले कॉलम में खनिज लवण और विटामिन और यहाँ पे प्रोटीन। तो चलिए एक एक पहले उसको देख लेते हैं। पहले चित्रों पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का माध्यम आलू, गन्ना, चावल, चीनी, शकरकंद, मक्का, आम, ये कार्बोहाइड्रेट हमें इनसे पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और चित्र के माध्यम से इस गोले में दर्शाया गया है। अब आते हैं कविता की ओर। चीनी, गुड़, शहद और गन्ना, गेहूं, चावल, आलू, मक्का, नित्य सेवन करो इनका पक्का, कार्बोहाइड्रेट के ये भंडार, मिलती ऊर्जा हमें अपार। तो ये देखिए चित्र और ये कविता, कार्बोहाइड्रेट के जो भी स्रोत हैं उससे सरलता से बच्चों को हम अवगत करा सकते हैं। अब आते हैं वसा की ओर। वसा का मुख्य स्रोत पनीर, दूध, मांस, अंडा, घी, तेल। अब कविता की ओर आते हैं। वसा, अंडा, घी, दूध, मक्खन, मांस, इसमें रहता वसा का वास, भोजन में इनके सेवन से मिलती हमको ऊर्जा खास। तो बच्चों को बताना है, अगर आपको वसा चाहिए तो आपको दूध पीना पड़ेगा, अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस का सेवन कर सकते हैं, अंडा, पनीर, घी, दूध, ये सब हमें वसा पर्याप्त मात्रा में हमारी शरीर को प्रदान करते हैं। अब आते हैं खनिज लवण और विटामिन की ओर। देखिए यहाँ पे इस गोले में बहुत से रंग बिरंगे फल और सब्जियां बने हुए हैं। आम, बैंगन, गाजर, तरबूज, अनानास, सेब, सीताफल और टमाटर, ऐसे बहुत से स्रोत होते हैं खनिज लवण और विटामिन्स के। तो चलिए कविता के माध्यम से क्या बताया गया है उसको भी देख लेते हैं। हरी सब्जियां, फल जो खाते, खनिज लवण और विटामिन पाते, रोगों से रक्षा ये करते, स्वच्छ निरोगी हमें बनाते। तो ये कॉलम हो गया। अब आते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। प्रोटीन के स्रोत हैं मटर, उड़द, सोयाबीन, दूध, चना, राजमा, बादाम, अंडा और बहुत सी दालें। तो देखिए यहाँ पे इसको भी कविता के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रोटीन, राजमा, दाल और सोयाबीन, मिलता है इसमें प्रोटीन, जब थाली में हो प्रतिदिन ये, जब थाली में हो ये प्रतिदिन, तभी शरीर की वृद्धि है मुमकिन। अगर आपको तेज़ी से बढ़ना है तो आपको प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। तो एक संपूर्ण पोषक तत्वों से भरा हुआ ये हमारा चार्ट वर्क है और बच्चों में समझ विकसित करने का चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से और कविता के माध्यम से एक सुंदर कार्य है। ऐसा एक चार्ट वर्क जरूर आप अपनी कक्षा में लगाइए। इसी आशा के साथ मिलते हैं एक और नए कार्य के साथ। धन्यवाद। चला पता नहीं कहाँ पर।
बचाव।